हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माय मैथ पीरियड. टुडेज वी आर गोइंग ऑन फोर्थ चैप्टर, दैट इज द सब्ट्रैक्शन. ओके, देन लास्ट पीरियड वी हैव लर्न चेकिंग द सब्ट्रैक्शन. ओके, चेकिंग द सब्ट्रैक्शंस, क्विक असेसमेंट एंड सेल्फ प्रैक्टिस फोर्थ डी. ओके, इन कॉपी एंड सब्ट्रैक्ट यू मे चेक योर आंसर्स ओरली. ओके, इसको आपको सॉल्व भी करना था, नोटबुक में भी कॉपी करना था और आपको आंसर को चेक करना था. ओके, मतलब मेनू एंड सब्ट्रैंड एंड डिफरेंस. ओके, एंड दैट इज द सब्ट्रैंड प्लस डिफरेंस इज इक्वल टू मेनू एंड. तो इस तरीके से इसको आपको कॉपी में, अपनी कॉपी में सॉल्व करना था. आज हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस. ओके, कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सूरज अर्न 8760 अ मंथ. ओके, मतलब सूरज एक महीने में 8760 रुपीज अर्न करता है, कमाता है. ही स्पेंट रुपीज 5936. ओके, और वो खर्चा कितना कर रहा है, 5936 रुपीज. सो हाउ मच मनी डिड ही सेव इन दैट मंथ. तो वो एक मंथ में कितने रुपए सेव कर रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है. ओके, सो सूरज टोटल अर्निंग इन दिस मंथ दैट इज 8760. ओके, और खर्चा कितना कर रहा है, 5936 ही स्पेंट. ओके, सो हाउ मच मनी डिड ही सेव इन दैट मंथ. तो एक महीने में वो कितने रुपए बचा रहा है, सेव कर रहा है. ओके, तो आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल वो कितने रुपए वहां पे वो सेव कर रहा है. ओके, देन 0-6 नॉट पॉसिबल, सो 110 इज बोरो. ओके, सो 110 इज बोरो, दैट इज द 6 tens इज इक्वल टू 60. ओके, सो 6 tens 110 इज बोरो, सो मेक नंबर 10 बिकॉज द 0. सो 110 इज 10. Then 6-1, 5. Okay, 10-6, 4. 5-3, 2. 7-9 not possible. So, अभी यहाँ पे ये 1000 है. Okay, that is the 8000. 8000 में से हम 1000 कैरी कर रहे हैं 100 प्लेस में. Okay, तो यहाँ पे अगर कैरी कर रहे हैं हम, तो कैरी करते वक्त 1000, so that is the 1000. Okay. ये हो जाएंगे 1000 प्लस 700 दैट इज द 1700. ओके, तो ये हो जाएगा 1700. सो 17-9, 8. ओके, देन रिटर्न 8-1, 7. 7-5, 2. दैट इज द 2824 रुपीज आर सेव इन दैट मंथ. यानी एक महीने में वो 2824 रुपीज क्या कर रहा है, सेव कर रहा है. ओके, जो बोरो करते हैं, बोरो करने के बाद रिटर्न करना मस्ट होता है. ओके, अगर आप देखो कि अपने क्लास में से किसी अपने फ्रेंड के पास से आप इरेजर लेते हो, पेंसिल लेते हो, पेन लेते हो, तो वो आपको रिटर्न करना होता है, आप उसको रिटर्न कर देते हो काम होने के बाद. तो वैसे ही यहाँ पे आपका इसका काम, इस सब्ट्रैक्शन का काम हो गया, तो उसको आपको रिटर्न भी करना है. ओके, देन नेक्स्ट 3500 टाइप्स ऑफ प्लांट्स. ओके, 3500 टाइप्स ऑफ प्लांट आर एट डिस्प्ले इन अ फ्लावर शो. ओके, आर इन अ फ्लावर शो. इफ 2274 प्लांट्स आर रोजेस, देन हाउ मेनी अदर टाइप ऑफ प्लांट्स आर देयर इन द शो. ओके, टोटल प्लांट्स आर 3500. टोटल प्लांट्स आर 3500. ओके, टोटल प्लांट्स आर 3500 एंड रोजेस प्लांट आर 2274. ओके, तो टोटल प्लांट्स 3500 एंड रोजेस प्लांट 2274. सो सब्ट्रैक्ट दिस एंड फाइंड आउट द ऑल अदर प्लांट्स. ओके, सो not 0-4 not possible, so 110 is borrow, make number 10. So 10-4
6, okay, then return, that is the 9, that is 9, 9, then 9 minus 7, 8, okay, यहाँ पे जीरो था पहले, इसको 10 बनाने के लिए यहाँ से 110 बोरो किया था, okay, 100 प्लस में से, so 5 minus 1, 4, 4 minus 2, 2, then 3 minus 2, 1, that is 1286 other plant, okay. Sorry, 9 minus 7, 2, okay, 26 चाहिए था, 9 minus 7, 2, okay, 1226, तो ये इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया था. उसके बाद देखिए सेल्फ प्रैक्टिस 4E के कुछ एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल्स हम यहाँ पे सॉल्व करके देखने वाले हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ओके, फर्स्ट एग्जांपल, 1864 बुक्स वेयर सोल्ड एट अ बुक फेयर ओवर 2 डेज, ओके, मतलब 2 दिनों में बुक सेलर जो है वो बुक सेलर 1864 बुक्स को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, बेच रहा है. देन ऑफ दिस 499 बुक्स वेयर सोल्ड ऑन संडे, ओके, संडे को उसने 499 बुक्स को सोल्ड किया है, बेचा है. देन हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड ऑन मंडे, तो मंडे के दिन उसने कितने बुक्स को बेचा है, कितने बुक्स उसने मंडे को सोल्ड किए हैं. तो टोटल 2 दिनों में उसने कितने बुक्स सोल्ड किए हैं, सो 1864, सो 1864, ओके. अभी संडे को अगर देखते हैं तो संडे की जो बुक सेलिंग की उसकी क्वांटिटी है वो है 499, ओके. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मंडे के दिन कितने यहाँ पे बुक्स सोल्ड हुए हैं ये हमें पता चल जाएगा, ओके. 4 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, सो 110 इज बोरो, मेक नंबर 14, ओके. देन 6 माइनस 1 5, ओके, जो बोरो गया था उसे हमने रिटर्न किया. 14 माइनस 9 5, ओके. देन 5 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, सो 110 इज बोरो, ओके, मतलब 100 प्लेस में से अगर हम 100 यहाँ पे बोरो कर रहे हैं तो हो जाएगा 1500, 1500 माइनस 900 6, ओके. देन रिटर्न 8 माइनस 1 7, सो 7 माइनस 4 3, ओके, 7 माइनस 4 3 एंड 1 एज इट इज, सो 1365 बुक्स आर सोल्ड इन अ मंडे, यानी मंडे के दिन 1365 बुक्स यहाँ पे सोल्ड हो गए, ओके. तो ये हो गया 1365 बुक्स आर सोल्ड इन अ मंडे, मंडे के दिन 1365 बुक्स सोल्ड किए गए, बेचे गए, ओके. नाउ सेकेंड, मानसी यूजेस 2965 बीड्स टू मेक अ नेकलेस, ओके, नेकलेस बनाने के लिए 2965 बीड्स वो यूज कर रही है. देन शी यूजेस 1382 बीड्स टू मेक अ ब्रेसलेट, ओके, और ब्रेसलेट बनाने के लिए वो 1382 बीड्स को यूज कर रही है. देन हाउ मेनी फेवर बीड्स डज शी यूज टू मेक अ ब्रेसलेट, ओके, यानी वो ब्रेसलेट हाउ मेनी फेवर्स मोर देन, सो 2965, ओके, 2965 सब्ट्रैक्ट बाय 1382, सो 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, सो 100 इज बोरो, दैट इज द 600 एंड 100, 6 टेंस एंड 100, सो 16, ओके, 16 टेंस, देन 16 माइनस 8 8, सो रिटर्न 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 3 5, ओके, 8 माइनस 3 5, देन 2 माइनस 1 1, सो 1583 बीट्स वेयर फेयर, ओके, 1583. नाउ थर्ड नंबर,
थर्ड नंबर, देर आर 8,231 persons watching a football match. Then, यानी फुटबॉल मैच कितने persons देख रहे हैं? So, 8,231. Okay. Then, 4,562 persons support team. ये, okay? Support team, ये. मतलब, ये टीम को 4,562 persons support कर रहे हैं. And the rest support team B. हाउ मेनी पर्सन सपोर्ट टीम बी. ओके, मतलब ये टीम को इतने लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो बी टीम को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है. ओके, सो टोटल पर्सन आर 8,231. ओके, सब्ट्रैक्ट 4,562. ओके, ये टीम को सपोर्ट करने वाला है. तो यहां से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि बी टीम को सपोर्ट करने वाले लोग. ओके, पर्सन्स. वन माइनस टू नॉट पॉसिबल, सो वन टेन इज बोरो, मेक नंबर 11. टेन प्लस वन 11. इलेवन माइनस टू 9. ओके, सो रिटर्न 3 माइनस वन 2. ओके, 2 माइनस सिक्स नॉट पॉसिबल, सो 110 मतलब 100 प्लस में से 100 बोरो कर रहे हैं हम. सो 100 प्लस 2 टेंस, सो 12 टेंस. 12 tens is equal to 120. Okay, so 12 minus 6, 6. So return 2 minus 1, 1. So 1 minus 5 not possible. So 1000 is borrow. So 1000 and 100. So 1100. Okay, so 11 minus 5, 6. Okay, 11 minus 5, 6. So minus 8 minus 1 return karenge. So 8 minus 1, 7. So 7 minus 4, 3. 3669 persons are support in a team B. Okay, team B को इतने persons क्या कर रहे हैं, support कर रहे हैं. Okay, उसके बाद हम एक last example solve कर रहे हैं, 4 number, और बाकी के examples आपको solve करके देखना है. Okay, 4th number मैं solve करके दे रहा हूँ अभी. A factory produce 3600 chocolates in a one day. Okay. ओके, सो फैक्ट्री प्रोड्यूस 3600 चॉकलेट्स इन वन डे. एक दिन में 3600 चॉकलेट्स एक फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है. देन 1250 ऑफ दिस वेयर डार्क चॉकलेट. ओके, मतलब डार्क चॉकलेट जो है, डार्क चॉकलेट वो 1250 बना रहे हैं. देन हाउ मेनी अदर चॉकलेट्स डज द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन वन डे. ओके, तो उसके बाद बाकी अदर चॉकलेट कितने बना रहे वो आपको फाइंड आउट करना है. ओके, सो 3600 सब्ट्रैक्ट 1250. ओके, ये क्या है, डार्क चॉकलेट. ऑल अदर चॉकलेट्स कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं एक दिन में वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, सो 100 इज बोरो, सो 10 इज इक्वल टू 100. ओके, 100 इज इक्वल टू 10 टेंस इज इक्वल टू 100. ओके, सो 10 माइनस 5 5, सो रिटर्न इज 6 माइनस 1 5. ओके, 5 माइनस 2 3, देन 3 माइनस 1 2. 2350 चॉकलेट्स. ओके, 2350 चॉकलेट्स वो एक दिन में बाकी अदर जो चॉकलेट्स है वो बना रहे हैं. ओके, तो अभी हम रुकेंगे यहीं पे. बाकी जो 6 एग्जांपल्स है ये आपको अभी क्लास वर्क में और बाकी बचे हुए होमवर्क में भी सॉल्व करना है. ओके, तो ध्यान में रखना, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे मैसेज कर देना. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करके बता दूंगा. ओके, तो गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ. बाय, सी यू टुमारो.